19 मई 2019। ये एक इलेक्ट्रॉनिक भगवत गीता है जिसका कहते हैं, भगवत गीता का हिंदू सनातन धर्म में अपना एक अलग महत्व है। कहते हैं जीवन में एक बार भगवत गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए, ये मोक्ष कर्म और धर्म की जननी है। ये जो भगवत गीता है वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीन भाषाओं में दी गई है, जिसमें कि 18 अध्याय हैं। और ये एक ऐसी भगवत गीता है जिसको एक अनपढ़ आदमी, एक अंधा व्यक्ति जो कि देख नहीं सकता है, वो इसको पढ़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है इस पेन के माध्यम से। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसको यहाँ इस बिंदु पर रख करके इसको शुरुआत की जा सकती है, स्टार्ट किया जा सकता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर आप इसका बिंदु को स्पर्श करेंगे वहाँ वहाँ पर ये आपको सारी जानकारी देता रहेगा। जैसे कि मैंने इसको यहाँ इसको स्पर्श किया तो ये पूरा जो ये श्लोक लिखा हुआ है वो श्लोक यहाँ पे पढ़ के बताएगा। अगर पुनः टच करेंगे तो ये हिंदी में इसको बताएगा, तीसरी बार टच करेंगे तो यह इंग्लिश में बताएगा। और ये 18 अध्यायों में दिया गया है। कुछ इसमें ऐसे जैसे प्रथम अध्याय है जिसकी शुरुआत हम शंखनाद से चालू करते हैं। ये मुख्य चार आरतियां दी गई हैं जिसमें कि यह दर्शाया गया कि गीता को शुरुआत करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको सारी आरतियों का अध्याय साथ में शंखनाद के साथ प्रथम चरण के अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। अब आप ये देखिए, संजय उच्चाव सेना की व्यूहरचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं, अगर चित्रण दिया गया है और चित्रण के भाव और भावनात्मक अर्थ को समझना है कि उस चित्रण के माध्यम से क्या संदेश कहा जा रहा है, तो उसका भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्तन के माध्यम से कि वहां पर किस तरीके की लीला चल रही थी। कह सकते हैं ये 18 अध्यायों में दी गई है। प्रथम कोशिश करके प्रथम अध्याय से शुरुआत करके 18 अध्याय तक इसका अनुसरण किया जा सकता है। और इसकी जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि गीता एक ऐसा हमारी धर्म ग्रंथ है, धर्म गुरु मानी गई है जिसने जीवन का सार बताया है। हमें हमारा जन्म क्यों हुआ और हमारी मृत्यु क्यों होगी, सारे तात्पर्य, सारे अर्थात सारे पर्याय इसमें समाहित किए गए हैं। और ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गीता है जिसके माध्यम से हम अपने समाज में धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह एक अति सुंदर धर्म गीता है और ये इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ, जो कि इसका चार्जर भी दिया गया है, चार्ज भी हो सकता है। और आप इसके माध्यम से अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने घर परिवार को एक धर्म से जुड़ने का और उसको प्रचार प्रसार करने का एक माध्यम हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।